नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। पुलिस का इस्तकबाल खत्म हो गया है। लोग खुद अब तालिबानी फरमान जारी कर सजा देने लगे हैं। ताजा मामला देवरिया जनपद का है, जहां एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है और युवक अपनी जान की दुहाई दे रहा है, लेकिन कोई वहां सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के खुफंदू थाना क्षेत्र का नरौली खेम, जहाँ एक युवक अपनी बाइक से गांव से गुजर रहा था। लोगों का आरोप था कि युवक बाइक तेज चला रहा था। जब युवक वापस लौट रहा था, तब गांव वालों ने युवक को घेर लिया और उसको मारने लगे। इस बात की सूचना किसी ने युवक के भाई को दे दिया। युवक का भाई जो ही गांव में पहुंचा, तब गांव वाले युवक के ऊपर लाठी डंडे से टूट गए और युवक के भाई की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान युवक को गंभीर चोटें आई है। युवक पीड़ित का कहना है था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे भाई से पहले विवाद हुआ था, मेरी पिटाई भी की गई और मेरे ऊपर की SST का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पिटाई से मेरा सर फट गया, पैर की हड्डी टूट गई है और पुलिस मेरा कोई सहायता नहीं कर रही है। मुकदमा दर्ज होने से मेरी जिंदगी भी खराब हो गई है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक का कहना था कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें NCR दर्ज हुआ है, इसमें हमने मामले को संज्ञान में लिया है, विवेचना की जा रही है, धाराएं बढ़ती जाएंगी। भाई से जो है पहले जो है ये लोग गाड़ी को लेकर के लफड़ा किए थे और मैं नहीं जानता था कि जो मुझे मार देंगे। मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद से जो है मैंने बस यही पूछा, अरे भैया कहाँ है, क्या बात हो गया भैया। गांव का मामला था, मैं जानता नहीं था झगड़ा होगा, लेकिन वहाँ पर जो लोगों ने ललकार करके जो है वहाँ पर जो हमको मारना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। और अभी दूसरा वीडियो जो आया है इसको हमने संज्ञान लिया, इसके लिए कार्रवाई। देखिए ये सब विवेचना का विषय है, जैसे विवेचना बढ़ती जाएगी हम उसका धारा बढ़ा देंगे।